अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अभी यहाँ पे इस वक्त ये सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब नाश्ते के बाद का, और बस हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया था। और आज मौसम इतना प्यारा हो रहा था, इस वक्त यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था। ये कुछ यहाँ पे ना फ्लावर्स भी निकले हुए थे, तो बस मैं अभी इन्हीं को कैप्चर कर रही थी। और ऐसा मौसम हुआ था जैसे लग रहा था कि मतलब शाम हो रही है, और हालांकि ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है जब अच्छी खासी धूप निकली होती है उस वक्त। और अभी ना यहाँ पे ये मैंने कुछ कपड़े धोए थे, वो नीचे मैंने स्टैंड पे लगाए थे, तो उसके ऊपर ना ये गंदम रखी हुई थी जो कि अभी हमने ईद से पहले मतलब ना कुछ दिन पहले हमने थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने और मतलब मोहसिन भाई ने उनको कूट के रखा था। तो थोड़ी सी कूटने से ना इसका छिलका जो है वो सेपरेट हो जाता है धूप में रखने से, तो अभी जो है मज़ीद इसको कूट के तो रख दिया था धूप में। और अभी यहाँ पे ना आनी जो है वो सारा जो है ना उसको छान रही थी गंदम को, ताकि जो गंद है छिलका वगैरह वो सेपरेट हो जाए। और ये जो क्लिप्स हैं आप देख रहे हो ना, ये क्लिप्स मेरे पास पहले के हैं क्लिप्स, जब मतलब गेस्ट वगैरह जो थे जो ईद पे आए थे ना वो थे उन दिनों। तो लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे गेस्ट वगैरह सब जा चुके हैं, आनी वगैरह जा चुके हैं लाहौर वापस। तो अभी यहाँ पे ना कुछ पौधे भी, यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो ये ऊपर वाली छत है ना जहाँ पे टंकी लगी होती है वहाँ पे ये पौधे जो रखे हुए थे, कुछ उनका मतलब बिल्कुल भी कटाई वगैरह नहीं थी, वरना अक्सर माली जब भी आता है तो सारी जो पौधे उनकी कटाई वगैरह हो जाती है, और जो मतलब लीव्स वगैरह इस तरह की स्टेम्स वगैरह होती हैं वो तो निकल जाती हैं, लेकिन ऊपर वाले पौधे ना जो है ना वो रह जाते हैं। तो बस फिर अभी हस्बैंड जो है वो सारा जो पौधे ऊपर एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं, क्योंकि बारिशें वगैरह हो रही हैं तो ज़मीन के अंदर ही ना, क्योंकि टंकी भी है वहाँ पर पानी वगैरह, तो उस वजह से ना नमी की वजह से पौधे निकल आते हैं एक्स्ट्रा ही। तो फिर बस वो सब भी काट रहे थे ताकि ज़्यादा वहाँ पे ना इस तरह की झाड़ी वगैरह लग जाए। तो बस अभी ये सब काम भी साथ साथ चल रहा था, और आनी जो है वो गंदम को ना सारा साफ़ कर रही थी, क्योंकि आज हमने बनाना था हलीम। तो बस आज जो है ना वो हलीम सब ने मिल के ही बनाया, इसमें मतलब सब ने ही मेहनत की थी और मज़े का भी बहुत बना था। ये हलीम हम लोग मतलब ईद से पहले का सोचा हुआ था कि गंदम ले आए थे, और उसके बाद ना इसको थोड़ा सा कूट के भी रख लिया था कि इसको जल्दी बना लेंगे। मतलब हमने तब चिकन ही यूज़ करना था, लेकिन फिर बस दोबारा कूटने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दो दफ़ा छोटी मी कहती कि इसको कूटना पड़ता है, और फिर ये ना बड़े अच्छे से जो है ना बाद में मतलब पकाते हैं तो उसमें ही गल जाता है। लेकिन फिर अभी उसके बाद ईद वगैरह का आ गया टाइम, और फिर जाहिर सी बात है इतनी मसरूफियात बढ़ गई कि फिर मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर अब आनी आई हुई थी, तो फिर आनी ने भी कहा कि चलो यही बना लेते हैं, और आनी से फिर मतलब थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। बल्कि आनी ने और साथ में एक और आनी जो है हमारी मतलब छोटी मी की जो एक और बहन है ना, वो भी मतलब आज आ गई थी। और अभी मैं बस उन्हीं के लिए यहाँ पर टैंग वगैरह बना रही थी, तो वो लोग अचानक से आए थे और उनको तो पता भी नहीं था कि घर में इस तरह से कुछ बन रहा है हलीम वगैरह। और फिर बल्कि वो भी आते ही फ़ौरन से आनी लग गई थी कि चलो मैं भी साथ में ना काम वगैरह करवा देती हूँ जो जो करने वाला है। तो बस इस तरह से फिर सब ने जब हेल्प करवाई और सबने मिलके बनाया, तो उतना ही मज़े का जायका भी आया था। तो बस अभी ये देखें आनी भी आई, और आते ही ना उन्होंने सारा जो गोश्त वगैरह वो लेके बैठ गई थी कि चलो मैं इसको पहले साफ़ करती हूँ, और उसके बाद जो है ना इसका फिर जो भी कुकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो हलीम को ना जो सॉरी गंदम जो है उसको ना पहले हमने ना ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद जो है ना उसको पकाया था, क्योंकि आनी कह रही थी कि मतलब डायरेक्ट अगर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल तो जाता है, लेकिन फिर भी दाने दाने ना मुंह में आते हैं, तो थोड़ा सा ना इसको ग्राइंड कर लेते हैं, मतलब एक दो पल सिर्फ, तो उससे ही होगा। बिल्कुल पाउडर भी नहीं होता, लेकिन हल्का सा ना कुटा हुआ सा मतलब हो जाता है दरदरा सा, तो वो फिर बहुत अच्छे से गल भी जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो बस अभी वहाँ पर ग्राइंड कर लिया था, और फिर बस इसको भी हमने पकने के लिए रख दिया था। और हमने आज ना बहुत ही जो सबसे बड़े वाला दिगचा ना वो उतार लिया था ऊपर से, क्योंकि दालें भी डलनी थी अभी, गोश्त भी, तो फिर क्वांटिटी ज़्यादा ही हो जानी थी। हालांकि क्वांटिटी माशाल्लाह से हमारी सोच से ज़्यादा ही हो गई थी, फिर इसलिए हमने सब घरों में बांटा भी था। तो अभी बस यहाँ पे जी प्रेशर कुकर में लगने लगा है दालों को प्रेशर, नीचे जो है गोश्त साफ़ हो रहा है, और एक साइड पर बड़े वाले दिगचे में ना जो गंदम कूटी थी जो ग्राइंड भी कर ली थी उसको पकने के लिए रख दिया था, सिर्फ हल्दी नमक डाल के और पानी डाल के। तो बस वो पकती जाएगी ताकि, और इसको कोई भी प्रेशर कुकर में नहीं था गलाया गंदम को, ये मतलब देखिए में पानी में पकती बॉयल होके, तो वो अच्छे से ग्राइंड क्योंकि हुई भी थी तो वो जल्दी जो है ना गल गई थी। अभी यहाँ पे जो है गोश्त पक गया था, गोश्त को सिंपली जिस तरह से गोश्त भूनते हैं ना उसमें जो बेसिक से घर के मसाले होते हैं वो, और बाकी जो प्याज टमाटर वगैरह लहसुन अदरक डलता है उसी प्रोसेस से जो है गोश्त की भुनाई की थी। पहले तो इसको प्रेशर लगा दिया था,
और उसके बाद ना उसको भून लिया था ताकि ऑयल वगैरह जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बस दालों को भी साथ साथ, सॉरी जो है गंदम को भी साथ साथ मिक्स कर रहे थे, क्योंकि गंदम के अंदर ना जो बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर होता है ना, जो ग्राइंड किया था, वो जब डालते ना तो वो बिल्कुल अंदर बैठ जाता है, इसलिए चम्मच लाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो जितना नीचे बैठेगा उतना ही ज़्यादा नीचे लगता जाता है और फिर वो सारा जो है ना नीचे लग के वेस्ट हो जाता है। तो फिर इसीलिए उसको मुसलसल चम्मच हर कोई आते जाते किचन में चला रहा था, और साथ साथ आज थोड़ा सा जुगाड़ भी किया था। ये जो मेरा बीटर है ना, आई थिंक पहले भी मैंने इससे अभी आपके सामने वीडियो में किसी शेयर किया था, मैंने पता नहीं क्या चीज़ इससे बीट की थी, हालांकि वो ग्राइंड होती है, तो बस काम चल गया। तो आज भी फिर मैंने ऐसे ही किया, मतलब दालें पकाते हुए दालों को ना हमने प्रेशर लगा लिया था, सिर्फ नमक मिर्चे और हल्दी डाल के, और उसके बाद ना ये छोटा वाला दिगचा इसमें निकाल के दालों को हमने बीट कर लिया था। तो बीट करने से भी ना दालें मतलब बिल्कुल नहीं ग्राइंड हो जाती, बस हल्की सी ना रहती हैं, हल्की दरदरी सी ना। तो बस अभी यहाँ पे सारा बीट करने के बाद तकरीबन 5-10 मिनट मैंने उसको बीट किया था, थोड़े थोड़े टाइम के बाद करती रही थी, और आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी नीचे भी नहीं लगा। और बस अभी इसको जो है ना उसी जो दलिया बन रहा था, गंदम बन रही थी, उसी में डाल दिया था, क्योंकि जो गंदम है वो भी बिल्कुल गल चुकी है और अब जो दालें हैं वो भी गल चुकी हैं, तो दोनों को फिर एक साथ मिक्स कर दिया था पकने के लिए। और यहाँ पे देखे क्वांटिटी ज़्यादा ही हो गई थी, और इसलिए जो है ना आनी ने पहले ही बड़ा देगचा निकलवा लिया था कि पहले निकलवा लो, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सब चीज़ डलने के बाद ना क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस अभी यहाँ पे गोश्त वगैरह डाल दिया था जो भुन चुका था, उसके बाद बस आनी ने एंड पे इस पे प्याज का तड़का भी लगा दिया था, और ये हलीम इतना मज़े का बना था और सबको बहुत पसंद आया था, और माशाल्लाह क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हमने सोचा हुआ था कि सब घरों में भेजना है, और सब घरों में भेजने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी पूरा हो गया था। और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, हलीम वगैरह या इस तरह की चीज़ें जब बनती हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि सबके घरों में भेजी ही जाती हैं, और मतलब बगैर भेजे और ज़्यादा क्वान्टिटी में ना बने ना तो फिर मज़ा भी नहीं आता बनाने का। तो इसीलिए बस ना इस ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ही बनाया जाता है और सब घरों में बांटा जाता है। तो जो जो हमारे रिलेटिव्स थे उन सबको हमने दिया था बाद में शाम में, और अभी बस यहाँ पे तड़का वगैरह लग गया हुआ है। साथ में थोड़ा बहुत मैंने धनिया वगैरह, लेमन वगैरह काट लिया था, थोड़ी सी प्याज जो तड़के के लिए बनाई थी उसी में से ब्राउन की भी थोड़ी सी आनी ने सेपरेट भी कर ली थी। और यहाँ पे बस अब मैं अभी अपनी ही प्लेट जो है वो रेडी कर रही, क्योंकि अब मैं बस खाना खाने वाली थी, तो बस मैंने इसको बस अपना रेडी कर लिया था। और यही जो क्लिप है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। मैं जो मेरा आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बस अभी यहाँ पे ये शाम का टाइम था, तो हलीम वगैरह तो हम लोगों ने तकरीबन शाम को ही खाया था, क्योंकि पकते पकते काफ़ी टाइम हो गया था, 12-1 बजे काम स्टार्ट किया था, और उसके बाद मतलब 5-5:30 तो बज गए थे, और अभी यहाँ पे तकरीबन 6:30 का टाइम था, और मैं सबके लिए जो है चाय बना रही थी। तो जब तक मैं यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ ना, आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लग रही है, और साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको देखने को सबसे पहले देखने को मिला करे। तो अभी बस यहाँ पे मैंने चाय भी निकाल ली थी, और मैंने ना साथ में यहाँ पे ये फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, क्योंकि अभी उस्मान सो के उठा था, और उस्मान को तो मैं हलीम नहीं थी दे सकती, क्योंकि हलीम थोड़ा सा स्पाइसी था। घर में नॉर्मली खाना बना होता ना तो मैं उसको दे देती हूँ, लेकिन जो मतलब स्पाइसेस जब हों तो मैं नहीं देती, तो फिर इसलिए मैंने ये बना लिया था उसके लिए, और ये उसको पसंद भी है, शौक से खा लेता है। तो बस अभी ये खाना वगैरह खिलाया उसको मैंने, और अभी दोबारा से ना किचन में आनी लग गई थी, क्योंकि छोटे में ने कहा था उनको कि ना गोश्त थोड़ा सा और भून के जो है हली में डाल दो, क्योंकि अब सबको घरों में भेजना था, तो ना अभी क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, हमें समझ में नहीं था आया उस टाइम, गोश्त ना क्वान्टिटी गोश्त की कम थी, तो घर में तो चलो हम सब ने खा लिया, लेकिन जब किसी को देते हैं तो फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो फिर उन्होंने कहा छोटी बहन ने कि गोश्त को ना थोड़ा सा और उसकी मतलब थोड़ा सा और गोश्त बना के उसकी भुनाई करके फिर इसमें ऐड कर दो। तो बस आने ने पहले फिर गोश्त को मतलब ज़ाहिर सी बात है फिर साफ़ भी करना था उसको, फिर प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ काट के उसको फिर प्रेशर लगाया, फिर भुनाई की और फिर इसमें ऐड किया। तो बस अभी आनी यहाँ पर उसी को सारा जो है ना मिक्स कर रही थी, और सच में जब ये मज़ीद गोश्त ऐड किया गया ना तो उससे फिर मतलब आराम से जो है ना सबको दिया गया, तो मतलब ना पता भी चल रहा था कि चलो अच्छे से मतलब ना सबके घरों में बांट दिया है, लेकिन जो टेस्ट था ना उसका जायका वो और भी ज़्यादा मज़े का हो गया था। और सच में ऐसे ही होता ना कि हलीम को जितना ज़्यादा पकाया जाता है वो उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है, तो बस कुछ यही बात थी, मतलब गोश्त भी और डल गया, थोड़ा पक भी और गया, तो उससे उसका जायका और ज़्यादा मज़े का हो गया था।
तो अभी बस यहाँ पे मोहसिन भाई जो है वानी को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को भी देना ना मुझे मतलब डब्बे वगैरह में निकाल दो, ताकि फिर मैं साथ साथ जिस घर में देना है मैं दे दूँगा। तो बस अभी यहाँ पे सारे जो है वो डब्बे वगैरह अच्छे से पैक हो रहे थे, ताकि रास्ते में लीक वगैरह ना हो जाए। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। हम सब ने मिलकर बनाया, हलीम आपको कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।